करेंगे तो किससे करेंगे? नमस्कार, मैं रचना सिंह यदुवंशी, मिस इंडिया मोस्ट पॉपुलर फेस एंड बॉलीवुड एक्ट्रेस। और दूसरी चीज़ बनारस की बात, तो बनारस में ऑलरेडी बहुत, बनारस पहले से ही खूबसूरत था और लाइटिंग्स वगैरह की वजह से और भी खूबसूरत हो गया। मैं पर्टिकुलर फोकस करती हूँ घाट पे, क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई यहीं से हुई, ग्रेजुएशन मैंने यहीं से कम्प्लीट किया हुआ है, तो मुझे थोड़ा सा बहुत लगाव है बनारस से। तो घाट की जो चीज़ें हैं, जो लाइटिंग वगैरह चेंज हुई है, थोड़ा जो और खूबसूरत बनाया गया उस चीज़ को, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और ऐसे ही और दिन पर दिन आगे बढ़ती जाए, यूपी की बात कर ली जाए, देश की बात कर ली जाए, तो महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा पर आप क्या समझती हैं कि काम हुआ है, बेहतर है पहले से हालात? जी जी, इस पे इससे मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि इस पे काम किया गया है और महिला हेल्पलाइन भी निकाली गई और महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें की गई। तो ऐसा पहले के कंपैरिजन में महिलाएं सुरक्षित हैं और ठीक है, और बट इस बीच में जो घटनाएं, हाथरस जैसी घटनाएं हो जा रही हैं, तो मैं सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करूँगी कि जो लोग अपराधी हैं उनके लिए एकदम सख्त से सख्त सजा दी जाए। और ताकि जब कोरोना के समय में मास्क का डर इतना फैला दिया गया कि चार्ज लग जाएगा, ये लग जाएगा, तो रेप क्यों नहीं रुक पा रहा है? जो अगर थोड़ा बहुत जो भी हो रहा है तो उस पर भी ऐसा डर फैलाया जाए कि दोबारा कोई सोचे एक कदम उठाने से पहले। और बाकी जो बदलाव आए हैं वो बेहतर हैं और उम्मीद करती हूँ आगे और भी बेहतरीन। मैम, आप एक महिला हैं, प्रियंका गांधी का रोल किस तरीके से देखती हैं आप? देखिए, प्रियंका जी इससे पहले उनका कोई पता नहीं चल रहा था और इलेक्शन के टाइम पे अचानक वो दिखने लग गई हैं, तो एक चीज़ है तो मुझे समझ में नहीं आती है। और दूसरी चीज़ कि इस उम्र में वो कह रही हैं कि वो लड़की हैं, तो फिर मैं अपने आप को क्या कहूँ, वो लड़की हैं, वो लड़की हो गई तो मैं क्या कहूँ? लड़की हैं तो लड़कियों के लिए आगे आएँ और आगे आकर के उनके लिए सहयोग करें और उनके लिए कदम ऐसे बढ़ाएँ कि उनके लिए मजबूत हो, लड़कियों के लिए और कुछ बेहतर हो, लेकिन ऐसे नहीं कहा जा सकता। और 40% सीट की बात कर रही हैं तो देखते हैं कहाँ से क्या करती हैं और उसमें क्या बदलाव आ सकता है, ये भी हम देख रहे हैं। और जिस तरीके से वो बात कर रही हैं, अचानक से वो जो आ गई हैं राजनीति में, इतना तो मैं राजनीति में आऊँ तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उनसे ज़्यादा वोट मुझे मिल जाएगा। चुनाव लड़ेंगी क्या प्रियंका के खिलाफ आप? 40% की जिस तरीके की वो बातें कर रही हो, बाकी पार्टी से मुझे कुछ ऑफर्स भी हैं, अगर मुझे उचित लगा सब कुछ तो कोशिश करूंगी मैं, अगर मुझे लगा कि नहीं मुझे उतरना चाहिए इस क्षेत्र में और इससे अगर समाज का भला हो सकता है तो मैं कोशिश बेशक करूंगी। मैम, इधर भी जिन्ना का भी ज्यादा नाम लिया जा रहा है, पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है। देखिए, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में APJ अब्दुल कलाम जी की बातें की जाए तो बहुत ज्यादा बेहतर है। अब देशद्रोह जैसी चीज़ों के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, ऐसे लोगों के विषय में कोई टिप्पणी नहीं। मैम, आप यदुवंशी हैं तो आप अपने लोगों को इस चुनाव में कैसे देखती हैं? यदुवंशी होने के नाते यदुवंशियों की संख्या ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं इस चीज़ को मैं इस तरीके से कि सरकार में यादवों को किस तरीके से सपोर्ट किया जाता था वैसा मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती, कहूँगी कि संतुष्ट हूँ या फिर इस तरीके से। लेकिन अभी जिस तरीके से यदुवंश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, हम कृष्णवंशी हैं, कृष्णवंशज हैं, कृष्ण जी को दुनिया उनकी दीवानी है और दुनिया उनके बारे में जानती है, मतलब सबसे ज़्यादा अगर भक्त पूरी दुनिया में किसी के हैं तो वो कृष्ण जी के हैं और हम उनके वंशज हैं। और मुझे कृष्णवंशी और यदुवंशी होने पर बहुत गर्व है और जिस तरीके से मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं चाहूँगी कि हर लड़की इस तरीके से आगे बढ़े और हर यदुवंश का इंसान आगे बढ़ता रहे और सिर्फ यदुवंश नहीं, सब कोई बढ़े, सब आगे बढ़े। विश्वनाथ जी दर्शन करने गई थी, पहले में और अब में क्या अंतर आपने देखा? देखिए, वो भक्ति का जगह है और धार्मिक स्थल है और मेरा उनसे बहुत दिली जुड़ाव रहा है उस जगह से, बनारस से, और मैं उनकी बहुत बड़ी भक्त हूँ। और जिस तरीके से बदलाव जो आ रहा है तो वो अच्छे बदलाव हैं, क्योंकि जैसे हम हिंदू हैं, हम भारतवर्ष में रहते हैं और अगर इस चीज़ को, हमारी जो पुश्तैनी चीज़ें हैं, जो हमारी धार्मिक स्थल हैं, अगर उनको जितना खूबसूरत किया जाएगा तो वो और अच्छी बात है। और जिस तरीके से थोड़ा बदलाव आया है वो अच्छी बात है और मुझे अच्छा लगा ये चीज़। और राम मंदिर बन रही है, कृष्ण मंदिर भी बने, इस तरीके की सारी चीज़ें, क्योंकि भाई हमारे भगवान हैं, उनको भी बनाना चाहिए। कृष्ण मंदिर की भी बात में रखूँ, मथुरा में मंदिर बनना चाहिए, बिल्कुल मथुरा में मंदिर बनना चाहिए, अगर राम मंदिर बन रही है तो कृष्ण मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए, वो भी बनना चाहिए। ठीक है।